नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई यूपी पुलिस री एग्जाम का टेस्ट नंबर 5। आप जो ये टेस्ट सॉल्व करोगे, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ यूपी पुलिस के लिए ही है। आप अगर सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो या आरपीएफ का एग्जाम दे रहे हैं या जो है यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं, सब में जो है अर्थमेटिक और जो यूपी पुलिस का सिलेबस है वो सब में कॉमन है। इट मीन्स आप किसी भी वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज्यादातर देखोगे, खासकर एसएससी बेस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, सब में जो क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे उस टाइप के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। तो चलिए भाई, जल्दी सभी लोग जुड़ जाए, शाम को 7 बज गए हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि आज अपने आप को आप असेसमेंट करिएगा कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं। वही क्वेश्चन डेली एक टाइप के क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहे हैं जो यूपी पुलिस में आए थे, कि जिससे आप यूपी पुलिस का अब एग्जाम है उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना करें, यानी सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लें। जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं या जो आ चुके हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस हम डेली आपको आपसे डिस्कस करते हैं। चलिए फिलहाल जो यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़िएगा। ये एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चंस आ चुका है इस टाइप के, या यूपीएसआई में भी आया है और आरपीएफ में भी क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाते हैं। जैसे किसी संख्या को 13 से भाग देने पर एक शेष फल आता है, यदि इस प्रकार प्राप्त भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेष फल आता है, तो उस संख्या को 65 से भाग देने पर क्या शेष फल आएगा। एक बार हमने इसको सेम इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रॉपर डिटेल में बताया था कि भाई अगर कोई नंबर्स होगा, ठीक है ना, कोई नंबर्स है उसके, जैसे मान लो हम बोलते हैं 19 है, आपको 19 से संख्या है, हम अलग एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 19 एक नंबर है आपको बोल दिया जाए, ठीक है ना, अगर 19 एक संख्या है, इसको मान लो हम बोल दें कि भाई 3 से हम विभाजित करें, कितने से 3 से अगर हम विभाजित करें तो आप कहोगे सर 3, या हम 3 से नहीं, हम आपको बोल दें किससे भाई 4 से विभाजित करें, नो 4 से करेंगे 4 चौक, चलो अच्छा 4 से विभाजित करें तो 4 चौक 16 आ जाएगा ना, तो 4 चौक 16 यानी 4 आंसर आएगा, यहां 16 हो जाएगा। अब हम पुनः जो है जो भागफल आएगा इसको 4 से भाग करेंगे तो भाई कट जाएगा। तो ये ऐसा नंबर्स कहने का मतलब हुआ कि ऐसे नंबर्स हमें लेने हैं कि जो एक बार डिवाइड करने के बाद जो भागफल आए वो भी फिर से पुनः डिवाइड हो। तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, देखो क्या करते हैं कि जब आप 13 से भाग करोगे किसी संख्या को, ध्यान दीजिएगा यहां नंबर होगा, इसको अगर 13 से भाग करो, ठीक है ना, 13 से भाग करो तो जो भी आंसर यहां पे आएगा, नंबर यहां, आंसर यहां, और शेषफल कितना आएगा यहां, यहां पे 13 से भाग करने पर आंसर हुआ और शेषफल हमने यहां लिख दिया, कहोगे अच्छा वेरी गुड। अच्छा उसके बाद इसको फिर से पुनः अगर इस संख्या को, भागफल को जो आया, हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं, यानी अब इसे आप 5 से इसको भाग करते हो, ठीक है, तब शेषफल कितना आता है 3 प्राप्त होता है। इसका मतलब शेषफल 3 नहीं, ये डिविजिबल हो गया। तो एक बार संख्या को हमने डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको फिर से 5 से डिवाइड किया, फिर कट गया, यानी यहां 3 शेषफल बचा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब एक बार दोबारा डिवाइड करने के बाद कट जाता है तो हमेशा कटने के लिए यहां 1 करते हैं ना, यानी कटने का मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया होगा, 1 इसका जो है 1 टाइम्स गया होगा, इसका मतलब ये हुआ। तो आप क्या करोगे, यहां क्या होगा, ऐसे लिखने के बाद, यानी पहले 13 से भाग करो एक शेषफल, फिर 5 से भाग करो 3 शेषफल, अब हो गया, फिर यहां करो, अगर और होता तो फिर लास्ट में यहां एक और कॉलम बनाते, हमेशा यहां जो आएगा, देखो इसको इससे गुणा कर दो और यहां जोड़ दो, 5 एकम 5 और प्लस 3 8, यानी 8 यहां आएगा। फिर क्या करो भाई, हमने कहा इसको इससे गुणा करो और प्लस इसमें ये ऐड कर दो, मतलब ये शेषफल वाला कॉलम ऐड होगा और ये भाई डिवाइड किया था ना, तो यानी अब गुणा हो जाएगा, तो 13 8 104 प्लस 1 कितना 105। अब आप चेक कर लो चाहे तो 13 8 104 यहां 1 हुआ, फिर 5 से 5 एकम 5 3 रिमाइंडर हुआ कि नहीं हुआ, कहोगे हाँ सर, इसका मतलब हमारा जो एक्चुअल नंबर था वो 105 105 है, 105 है। अब आप इसको अगर 65 से डिवाइड करते हो तो 65 एकम 65 है, बचा कितना 40, यानी शेषफल कितना आएगा 40, यानी 40 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान दो, नंबर निकालने के लिए यहां मिसिंग करते जाओ, शेषफल यहां लिखते जाओ, उसके बाद या इनको इससे गुणा करो यहां जोड़ो, फिर इनको इससे गुणा करो यहां जोड़ो, फिर जो आएगा, इसको हमने प्रॉपर एग्जांपल के साथ एक बार और डिस्कस कर चुका है, मतलब सेम कैसे आप सक्सेसिव डिविजर कैसे फाइंड करते हो, एक तरीका और भी क्रॉस वाले से, लेकिन फिलहाल ये सही है, ऐसे लिख दोगे आंसर आ जाएगा। चलो अगला देखोगे, ये क्वेश्चन तो पेट क्वेश्चन, पहले सीजीएल में बहुत बार आता, सीएचएसएल में इस टाइप के क्वेश्चंस देखोगे बहुत बार पूछे गए हैं,
मतलब सीजीएल में पहले एक क्वेश्चन था ना कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का 75 खर्च कर देता है, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाए, सेविंग बढ़ा दिया जाए, इनकम कितना बढ़ेगा या एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा, तो हर बार कभी इनकम कभी एक्सपेंडिचर कभी सेविंग इस फॉर्म में पूछते हैं। चलिए कहोगे सर बिल्कुल आसान है, क्या कह रहा, इफ अ पर्सन एक्सपेंडिचर 35% ऑफ हिज इनकम, किसी पर्सन का जो क्या है, इफ अ पर्सन एक्सपेंडिचर इज 35% ऑफ हिज इनकम, यानी उसका जो व्यय है वो जो खर्च है वो आय का 35% है। अच्छा, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन सेविंग इफ इनकम इंक्रीज बाय 30%, देयर इज नो इंक्रीज इन दियर एक्सपेंडिचर। ध्यान से पढ़ो भाई, आप कहोगे व्यक्ति का व्यय आय से 35% है, यहां आय लिखोगे यानी इनकम, ये उसका व्यय एक्सपेंडिचर और ये इसका ये सेविंग। आपको ये कह रहा आय व्यय का 35% है, यानी अगर आय आप लोग 100 रुपए मानते हो तो इसका 35 क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। आप बताओ अगर 100 रुपए अगर कमाता है 35 खर्च करता है तो डेफिनेट आपको पता है इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी सेविंग क्या हो जाएगी सर, 65 रुपए। इसमें कोई डाउट है? अगर हम कह दे 35% उसने खर्च किया, 100 में 35 खर्च किया, बचाया कितना भाई, बचाया उसने 65। कहो गया सर, वेरी गुड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपसे ये बोला गया भाई कि आय में 30% वृद्धि करें, यानी न्यू इनकम पहले कितना था, 100 था, 30% बढ़ा दो, कितना हो गया भाई, 130 रुपए हो गया, 3000 को बढ़ा दो, देयर एक्सपेंडिचर विल बी नो चेंज, आप खर्च यानी पहले 35 था अभी भी 35 खर्च है। आप बताओ अब अगर 130 उसकी आय हो गई, 35 उसका अभी भी खर्च है, तो आय में से आप खर्च घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 130 में से 35 घटा दो 95, अब उसका नया सेविंग नई बचत आ जाएगी। कहोगे यस सर वेरी गुड, नई बचत आ गई। अब आपको पूछा जा रहा व्हाट इज द इंक्रीज इन द एक्सपेंडिंग, तो बताइए बचत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, यानी स्टार्टिंग में पुरानी बचत कितनी थी, 65 रुपए सर, बाद में बचत कितना कर रहा सर, 95 रुपए, इसका मतलब सेविंग क्या है सर, सेविंग इंक्रीज हुई है, मोर हुई है, इंक्रीज हुई है, बढ़ी हुई है, कितने परसेंटेज इंक्रीज है ये निकाल सकते हो सर, यानी सेविंग बढ़ी हुई है कितनी, 65 से 95 होने में सर 30 बढ़ी है, किससे सर, 65 से, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मा लग जाएगा, 5 6 30 हुआ, 5 से 13 5 65 600/13, 1/13 की वैल्यू 7.88 होता, मल्टीप्लाई कर दो चाहे से, तो 13 13 4 52, हाँ सर 8, 13 6 78 डेसिमल 2, 13 1 13 7, 13 5 65, यानी 46.15% की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दिस 46.15% की क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, यानी उसकी बचत पहले की तुलना में बढ़ जाएगी भाई। बताइए कोई कंफ्यूजन, कहोगे नो कंफ्यूजन सर, वेरी गुड। ये बहुत बार क्वेश्चन याद रखिएगा CHSL में CGL में, पहले जब प्री होता था, यानी पहले जो है जो 50 क्वेश्चन जब आते थे तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, यानी इनकम का कुछ पर्सन मतलब कुछ पर्सन सेव करेगा, फिर अलग अलग इनकम एक्सपेंडिचर में चेंज करेगा, फिर फाइनल आप में जिनमें पूछा जाए बताना होगा। इसको पढ़िए ध्यान से भाई, सब कुछ आपको डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखना है, रिलेट करना है। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण और ऊंचाई इतना है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिधि, परिधि का मतलब भाई परिमाप की बात कर रहा, समकोण त्रिभुज का नाम लेते ही आपके दिमाग में आएगा भैया एक एंगल 90 डिग्री, और एक 90 डिग्री होगा इसका मतलब उसके सामने क्या होगा भैया, हाइपोटेनियस कर्ण होगा। तो अगर एंगल नहीं डिसाइड किया जा रहा था, ज्यादातर हम जो है परपेंडिकुलर लंब ऊपर वाला मानते हैं और बेस आधार नीचे वाला मानते हैं। कहोगे हाँ सर। अच्छा, अब आपको यह भी कंफर्म है कि यहां परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस में एक पाइथागोरस थ्योरम होती, पाइथागोरस जी ने दिया था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कर्ण पर बना वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। यस बिल्कुल सही, वेरी गुड, ये सबको पता है। अच्छा, अब आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा सर परपेंडिकुलर दिया है आपको, कर्ण की त्रिभुज की कर्ण और ऊंचाई दिया है भाई, हाइपोटेनियस कितनी दी है 41 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको कितनी दी है 9 सेंटीमीटर। जिनको याद हो
कि 941 और 40 में ट्रिपलेट फॉलो होता वो ओरल बता देंगे, जिनको नहीं याद है तो कहोगे सर ये बिल्कुल आपको पता है हाइपोटेनियस कितना दिया 41 41 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया सर 9 का स्क्वायर, इक्वल टू कितना बेस का स्क्वायर, यानी 41 41 के स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर घटा दोगे तो क्या आ जाएगा भाई बेस, और अंडर रूट ले लो बेस आ जाएगा, तो बता दोगे भैया पहले देखते ही बता सकते हैं कि बेस कितना है, बेस कितना भाई देखो 41 का स्क्वायर 50 के बेस पे था, 41 50 से कितना कम 9, 9 का स्क्वायर 81, 25 में 9 लेस कर दो 1681 यानी 1681 माइनस 9 का स्क्वायर 81 यानी क्या हो जाएगा भाई अंडर रूट यानी 1600 का मतलब 40 यानी आप ट्रिपलेट भी बना सकते थे और चाहे ऐसे बोल दो, यानी बेस भाई साहब आपका कितना हो गया 40 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबको पता है, हमें पूरी उम्मीद है कि सबको पता होगा, क्या पता यह होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कहोगे समकोण त्रिभुज का एरिया क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस का मतलब 40 और हाइट का मतलब 9, कहोगे यस सर 2 20 2 18 सर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा दूसरा परिधि का मतलब परिमाप होता है, परिमाप आप बताओ परिमाप का मतलब क्या होगा, यानी सबको तीनों भुजाओं को जोड़ दो बाहरी भुजाओं का योगफल ही परिमाप होता है, यानी आप कहोगे सर परपेंडिकुलर 9 सेंटीमीटर आधार 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर कर्ण है तो कितना हुआ 40 41 81 और 9 कितना हुआ 90 यानी 90 सेंटीमीटर, जिसमें 90 180 होगा वो सही होगा, जो नहीं होगा वो गलत होगा, यानी पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 90 सेंटीमीटर है, बताओ कोई डाउट है, कहोगे नो सर ये कितनी बार आपने बताया है और आपको भी पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, और अगर हमें एक भी दो भुजा दिया तीसरी निकाल लोगे उसके बिहाफ पर आप क्षेत्रफल और क्या निकालोगे परिधि निकाल सकते हो, कहोगे यस सर। चलो सभी लोग जल्दी से एक बार लाइक करें और बताएं भाई बिल्कुल समझ में आ गया यस या नो, जल्दी से कमेंट करके बताएं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से देखो ध्यान से। ओके फिर वही क्वेश्चन बच्चों वाला, ध्यान समझिएगा क्या क्वेश्चन बच्चों वाला का मतलब, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 900 एमआरपी 900 है, व्हेन अ गर्ल बॉट हिज आइटम शी गॉट डिस्काउंट 10% व्हिच इज इट नॉट फाइंड फेयर, देन ही वाज गिवन 10% मोर डिस्काउंट, फाइंड द अमाउंट द गर्ल गेव हिज द शॉपकीपर, इट मींस क्या हुआ भाई आपको लिखा हिंदी में 900 रुपए एमआरपी कोई चीज थी, एक लड़की सामान खरीदने गई, कहती भैया 10% डिस्काउंट का ठीक है 10% आप डिस्काउंट दोगे, लड़की ने कहा 10% ठीक है डिस्काउंट दे दिए, लेकिन उसको लगा कुछ गड़बड़ है डिस्काउंट दुकानदार और दे सकता है, अच्छा कहा नहीं भैया हम सामान नहीं लेंगे 10% आप हमें और दीजिए, कहा ठीक है बहन जी आपको हमने 10% दिया है 10% और दे रहे हैं, तो फाइनल लड़की को कितने में वो कॉस्ट पड़ेगी, कहोगे सर ये तो बिल्कुल इजी था कैसे करोगे आप बताओ, कहोगे सर 900 900 एमआरपी था, लड़की को पहले शॉपकीपर ने 10% डिस्काउंट दिया यानी 900 का 10% 90 2200 से गुणा कर दो, या आप कह दोगे कि 900 का 10% 90 का डिस्काउंट दिया यानी लड़की को 810 रुपए में वो सामान दुकान दे रहा है, दुकानदार फिर लड़की समझ में आया कि भाई दुकानदार और डिस्काउंट दे सकता है, तो उसने कहा लड़की भैया 810 रुपए में नहीं इस पे हमें 10% और दो, दुकानदार कहा ले जाओ ठीक है, फिर से क्या किया उसने 10% डिस्काउंट दे दिया लड़की को, तो फाइनली जब 10% डिस्काउंट दिया तो 9 51 9 72 यानी 729 में वह सामान लड़की को बेच दिया, यानी लड़की ने 729 रुपए में उस सामान को खरीदा, कहोगे वाह सर वेरी गुड 729 रुपए इज द करेक्ट आंसर, यानी इसी को आप कह सकते हो कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमागत छूट होता है, कहोगे यस वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, जैसे जो है चील की निगाह कहां रहती है बाज पर रहती है, वैसी निगाह आपकी क्वेश्चन पे होना चाहिए और टिक आपका आंसर होना चाहिए, अभी कमेंट और जो है बाकी सब में मत भिड़ाइए भाई, 10% 17 25 के एकल समान छूट का प्रतिशत का पता लगाएं, याद करिए ये बहुत बार आप इसको पता होगा, इसको आप रेशियो से बता सकते हो परसेंटेज से बता सकते हो, इसको आप बेसिक फॉर्मूले से बता सकते हो, जैसे आपको हमने बताया था परसेंटेज नेट डिस्काउंट, अगर दो
पहला डिस्काउंट हम एक्स परसेंट देते हैं, दूसरा वाई परसेंट। तो नेट डिस्काउंट एक फॉर्मूला आप लोग यूज करते थे ये, लेकिन एक इसके लिए भाई दो के लिए, तीन के लिए क्या करते थे, ये दो के लिए होगा। अब फिर से क्या करो, जो तीसरा है तो उसको इन दोनों को एक मान लो, तीसरे के साथ फिर से रिलेट कर दो, आ जाएगा। कहोगे अच्छा वेरी गुड, मतलब आपको कह दिया जाए सर 10% है, 17% है और 25% है। या तो आप ऐसे करो, पहले 10 और 25 किसी को पहले बाद में लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और चाहे सिक्वेंस लो, जो आपको इजी लगे वैसा करो। तो क्या कहोगे भाई, कहोगे सर नेट डिस्काउंट का मतलब पहले 10% प्लस 17, पहले 2 का 10 और 17 का नेट निकालें, माइनस का 10 × 17/100, यानी इन दोनों का नेट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, 1.7। याद करिए 10 और 17 27 हुआ, 27 में से 1.7 घटा दोगे, 26 हुआ, यानी 25.3, 25.3% क्या हुआ इन दोनों का नेट डिस्काउंट। बताइए कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन सर। अब क्या करोगे सर भैया, तो यानी ये डिस्काउंट 2 का हो गया। अब क्या करो, इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट 25.3% हो गया। फिर से करो भैया, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट इन दोनों में नेट क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर इन दोनों का 25.3 ये एक्स हो जाएगा, और वाई अब तीसरा डिस्काउंट ले लेगा 25 माइनस 25.3 × 25/100। ठीक है, अब ऑप्शन से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि सर क्या करना है। देखो 25, 50, 25, 50.3 ये हो गया ना, माइनस ध्यान दोजिएगा 2500 का 100, 4×6=24, ठीक है, डेसिमल लगा दोगे 1 हो गया, 4×3 12, कहोगे यस सर 1 बचेगा, डेसिमल लगाओ 10×4 9 8, 4×5 20, 6.325, कहोगे अच्छा सर। आप बताओ, देखते ही आपको समझ आ जाएगा 50 में से 6 जाएगा, कहोगे सर 44 और 0.3 से 0.3 यानी 43 point something, वाओ, यानी आप बोल सकते हो सर यानी अप्रॉक्सिमेट 43.9% द एग्जैक्ट आंसर तीनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। बताइए कोई डाउट है, नो डाउट सर, ये तो आसान था, हमें पूरी उम्मीद है किसी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या और तरीके हैं, बिल्कुल हैं भाई, जरूरी नहीं कि यही करो, ये बेसिक तरीका था, और तरीका बताएं भाई, यस बताते हैं सर। चलो देखो एक तरीका, ये तो क्लियर हो गया, दूसरा तरीका ये भी हुआ, आप क्या करो, लगातार तीन डिस्काउंट दे रहे ना, एमआरपी वन मान लो पहला 10%, 10% की वैल्यू 1/10, 10 था 9 में बेच दिया, अगला 17%, 100 था 83 में बेच दिया, अगला 25% की वैल्यू 1/4, 4 एमआरपी था 3 में बेच दिया। अब इनको सॉल्व करिए, क्या कुछ कटता है, नहीं कटता है तो ठीक है, कटता है तो काट दीजिए, शायद नहीं कटता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9×27 हुआ, 9×8 72 और 2 कितना हुआ 74 ना, 74। अब 3 से गुणा करो, 3×7 21 हुआ, 3×4 12 और 2 कहोगे 14, 1×3 21 और 1×22, ये डिवाइड बाई कितना 10, यानी कितना 4000, 4000, यानी अब डिनोमिनेटर वाली मार्क प्राइस मानोगे, इतने में बेच दिया। आप बताओ अगर 4000 रुपए एमआरपी होगी और 2241 में बेच दिया तो डिस्काउंट कितना देगा, तो आप कहोगे घटा देंगे सर, कितना घटा देंगे, यहां से 69, यहां से 59 हो जाएगा, 2300 हो जाएगा, तो यहां 2300 700 यानी 1700 1759 हो जाएगा डिस्काउंट, किस पर 4000 पे सर, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कट कर दोगे यानी ये डेसिमल लगा दोगे, कहोगे सर 4×16 हुआ 1/17, 4×3 12 डेसिमल लगा दोगे, यहां फिर कितना 4×4 12 के बाद कितना हो जाएगा, बचेगा 3×4 9 36, यानी 43.9%, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट है लगातार रेशियो में कन्वर्ट करके कम कर दो, कम करने के बाद जो हर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आएगी वो एमआरपी मार्क प्राइस होगा, न्यूमरेटर वाली वैल्यू सेलिंग प्राइस होगा, इसका मतलब एमआरपी पर को डिस्काउंट नीचे वाली आ गई तो एमआरपी पर कितना डिस्काउंट देंगे, एमपीएसपी का डिफरेंस अपॉन एमपी इंटू 100 ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट आ गया और आपको आंसर मिल जाएगा। कहोगे यस सर वेरी गुड, इसको बताइए चक्रधी वाला। अब आपको क्वेश्चन देख के ऑन द स्पॉट डिसाइड करना है भाई कि आपको परसेंटेज अप्लाई करना है या रेशियो अप्लाई करना है, जैसे दिस या फॉर्मूला अप्लाई करना है। चक्रधी वार्षिक ब्याज है भाई, तो आपको ये दिया, जैसे देखना है आंसर कैसे आ रहा, 4000 5000 6000 8000, यानी एक बार में डिविजिबल हो रहा है। 8% चक्रधी वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना हो जाती है वह राशि,
मतलब ब्याज की दर से एक निश्चित राशि, मतलब इफ सर्टेन सम बिकम इतना इनटू योर रेट ऑफ इतना, यानी ये क्या दिया भैया, ये अमाउंट दिया है। तो कोई धनराशि, यानी अगर आप 100 धनराशि मानते हो, आप बताओ 100 धनराशि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से परसेंटेज में कितना अमाउंट होगा। कहोगे ब्याज पहले कितना होगा सर, दो साल की बात करें, पहले साल 8%, दूसरे साल 8% और दूसरे साल पहले साल के इंटरेस्ट पर 8%। यानी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं सर कि 8% के अकॉर्डिंग दो साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 और 8 दुनाई 16, यानी 16.64 होता है। ये फॉर्मूला भी आप लोग याद करे होंगे, यानी पहले साल मनी पर 8%, दूसरे साल मनी और पहले साल के ब्याज पर, बात वही है, परसेंटेज से सॉल्व कर रहे हैं तब। तो आप कह सकते हो कि सर अगर मनी 100 रुपए मानते हैं, उस पर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी दो साल का ब्याज 16.64, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, मूलधन में ब्याज जोड़ोगे 116.64% अमाउंट हो जाएगा। और अमाउंट भैया आपको दिया है 116.64 की वैल्यू गिवन है कितना, यानी 5832, और आपको बताना है 100 की वैल्यू, यानी पी की वैल्यू, यही तो। अगर 100 से करते तो चाहो 8% को रेशियो से भी कर सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा, वो एक लाइन का आंसर तो भी गलत नहीं होगा। कहोगे यस सर बिल्कुल, देखो जीरो कितनी बार जाएगा, जैसे 11000, ये एक तो पहले समझो 5800 है, जीरो तो अपने मन मुताबिक बढ़ा दो, एक जीरो करके यहां बगल लगा दो, 58000, 11000 लगभग कितनी, 11 55 55, 5 बार जाएगा, चाहे चेक कर लो, 5 6 20, 5 6 30 2 32 और 5 6 30 33। यस यस यस, 5 बार जाएगा, यानी इसका मतलब 5000 इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगर आप परसेंटेज से करते हो, 8% ब्याज का मतलब हुआ पहले साल 8, दूसरे साल 8, दूसरे साल पहले साल के ब्याज पर 16.64 भाई ब्याज आया, मूलधन में ब्याज जोड़ोगे, अमाउंट 116.64, तो ये इसके अमाउंट की वैल्यू दिया है, मूलधन निकाल लोगे। कहोगे सर क्या यही तरीका है, नो भाई और भी तरीके हैं, रेशियो से मान लो। कैसे रेशियो से मान लो, आपको पता है भाई 8% की वैल्यू 8/100 का मतलब कितना हुआ, यहां से कितना होगा भाई, इतना 4 से 25 और 4 से 4 दुनाई 8, आपको हमने बताया था भाई जब 2 साल का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 2 साल का प्रिंसिपल मानना है तो 25 का स्क्वायर, यानी 625 मानोगे। इसके अकॉर्डिंग आप बताओ 2 साल का टोटल ब्याज कितना हुआ, 625 पर पहले 2/25 का मतलब कितना हुआ, 25, यानी 50 रुपए, 25 का स्क्वायर है, 50 रुपए ये 50 रुपए ये, और 50 का 2/25 का कितना मतलब हुआ, यानी 4 रुपए, यानी आप बोल सकते हो 104 रुपए क्या हो गया भाई, ब्याज हो गया। तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी 625 में 104 रुपए जोड़ो भाई साहब 9, और यहां कितना 2, यहां 6 7, 729। कहोगे सर 729 अमाउंट की वैल्यू दिया है, 5832 क्या चाहिए, आप कहोगे सर 625 की वैल्यू चाहिए, सॉल्व कर दो तो भी वही आ जाएगा। मतलब हमने 625 मूलधन मान लिया, उस पर 8% अकॉर्डिंग 2 साल का ब्याज, उसके अकॉर्डिंग कितना अमाउंट बनेगा, अमाउंट की वैल्यू दिया है तो आप मूलधन बता सकते हो, यानी 625 बता सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट खुद करिएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इसको सातवां, बस क्वेश्चन आप देखिए और आंसर बताइए। कहोगे भी सर आसान है, इजी है, क्या करना है, बार बार आपने इसको क्वेश्चन कहा, एक परीक्षा में किसी अभ्यर्थी ने 30% प्राप्त किया, वह 6 से फेल हो गया, अन्य ने 40% प्राप्त किया, न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक लाया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक, एक लाइन का आंसर है, आपको बहुत बार सॉल्व करा चुके हैं, यानी अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स, यानी कितना मानोगे भाई, 100 मानोगे। और जब एक कोई परीक्षा में 2 लोग सम्मिलित हो रहे हैं, एक कुछ पा रहा फेल हो रहा, दूसरा पा रहा ज्यादा पा रहा, तो दोनों लोगों को पास कराना होता, क्यों, क्योंकि परीक्षा एक ही, पासिंग मार्क्स बराबर होगा, लॉजिकल। आपको कह रहा टोटल 100% अधिकतम है, तो एक विद्यार्थी 100 का 30% यानी मैक्सिमम का 30% 30 हुआ, फेल कितने से, 6 से फेल हुआ भाई, 6 जोड़ दो। दूसरा विद्यार्थी 100 का 40% लाया और 6 अंक ज्यादा ला दिया, मतलब 40% जाया, 6 ज्यादा लाया, यानी 6 घटा दो, ये भी पास हो जाएगा, यानी इसको भी हमने पास करा दिया, इसको पास करा दिया, लॉजिकली पास मार्किंग दोनों में बराबर होगी, ये लॉजिक है, बाकी तो और एक साथ परसेंटेज अलग करते हो, वैल्यू अलग करते हो। कहोगे यस सर, तो ये इधर जाएगा, घट जाएगा और माइनस से जुड़ जाएगा, तो क्या करोगे भाई, 40 में से 30 जाए कितना, 10% की वैल्यू कितना हुआ भाई, यानी 12 हुआ, तो 100 की वैल्यू भाई उसका 10 गुना और, यानी 120, अधिकतम अंक पूछा जा रहा है, 120 इज द करेक्ट आंसर। हमें पूरी उम्मीद है इनमें किसी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हम बहुत बार आपको रिपीट करा चुके हैं, सेम ऐसे क्वेश्चंस, बस डेटा चेंज करके बदल बदल के सॉल्व करा चुके हैं। इसको देखो,
इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज अभी हमने देखा गलत, ये सबसे पहली बात, ये 12.5% है, 12.5 यानी 12 सही 1/2% है प्रॉफिट, ये 12 सही 1/2% ध्यान दीजिएगा। देखो ये कह रहा मंजीत ने एक मोटर कार को 25% हानि पर साहिल ने साहिल को बेचा, मतलब ये ध्यान दीजिएगा इसको क्वेश्चन है, सॉरी मंजीत भाई साहब ने, मंजीत भाई साहब ने साहिल को 25% हानि पर एक मोटरसाइकिल बेच दिया। साहिल भाई साहब ने मोटरसाइकिल खरीदा, हाँ सर खरीदा, और साहिल भाई साहब ने मोटरसाइकिल को रिपेयर कराया, खर्च किया कितने में, 8,664 रुपए खर्च किया रिपेयरिंग कॉस्ट। और आपको पता है अगर हम किसी चीज को मान ली हमने कोई ओल्ड बाइक 5,000 में खरीदा, पुरानी बाइक 5,000 में खरीदा, 1,000 रुपए रिपेयरिंग पे लगाया, तो हमें बाइक कितने की पड़ी भाई, 6,000 की पड़ी ना। तो वैसे साहिल साहब को जो बाइक जितने में खरीदा जितने में पड़ी उसका 864 रुपए का उन्होंने मरम्मत किया और फिर जो है इसको 5,400 में बेच दिया। कितने में बेच दिया भैया, साहिल साहब ने इसे 5,400 में बेचा और बेचते समय 12.5% का लाभ भी लिया, किसने, साहिल साहब ने 12.5% लाभ पर बेच दिया। तो करा मंजीत के लिए उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, ये क्वेश्चन का सारांश है, ये थोड़ा लैंग्वेज गलत है ध्यान से पढ़िएगा। मंजीत बॉट अ कार एट द लॉस ऑफ 25%, यहां गलत बार बार यार गलत हो गया। साहिल स्पेंट इतना ऑन द रिमेनिंग, बॉट की जगह पर सेल होगा भैया, मंजीत सेल अ मोटर कार लॉस ऑफ 25%, ठीक है साहिल लॉस इतना टू साहिल एंड साहिल स्पेंट, टू साहिल लिखोगे और फिर लिखोगे एंड साहिल टू साहिल ना, एंड साहिल स्पेंड 864 रिमेनिंग ऑफ द सोल्ड कार, इतने दिस वे ही प्रॉफिट 12.5। हाउ मच डिड मंजीत बाय द मोटर कार, ध्यान समझिएगा, मंजीत ने खरीदा 25% हानि पर साहिल को बेचा, साहिल ने 864 रुपए उस पर मरम्मत पर खर्च किया, फिर उसने 5,400 में बेच दिया 12.5% लाभ लेके। तो आपको बताना मंजीत के लिए, ये क्वेश्चन का सारांश है, लैंग्वेज गूगल साहब ने सब कुछ गलत कर दिया क्योंकि हिंदी में इंग्लिश में गलत हुआ तो हिंदी में गलत हो गया। चलो हमने समझा दिया, क्वेश्चन समझ में आ गया, कहोगे जी सर अब बताओ, आपको ये पता साहिल ने जितने में खरीदा होगा भाई, इसको 12.5% लाभ पर 5,400 बेचा होगा, 12.5% लाभ का मतलब 1/8 का लाभ, रेशियो में 8 में अगर खरीदा होगा तो 1 का लाभ लिया होगा, 9 में बेचा होगा, किसी आर्टिकल को 12.5 यानी 12.5% प्रॉफिट पर सेल करने का मतलब 1/8 के लाभ पर बेच रहे हैं, फ्रैक्शन में 8 में खरीदेंगे 1 का लाभ होगा 9 में बेचेंगे, अच्छा भाई तो 9 में बेचेंगे, सेलिंग प्राइस तो दिया है 9 में जो बेच रहे हैं, खरीदेंगे कितने में 8 में, तो 9×6=48 यानी 4,800 में जब खरीदेंगे तब 12.5% लाभ पर 5,400 बेचेंगे, यानी जिसको साहिल ने 5,400 में बेचा 12.5% का लाभ लिया उसको साहिल के लिए कॉस्ट कितनी रही होगी, 4,800 रही होगी, 4,800 साहिल के लिए सीपी रही होगी, तो 4,800 सीपी कुल मिलाकर, यानी कुल सीपी का मतलब यानी रिपेयरिंग को खर्च करने के बाद जो है उस ऊपर जो है उसने 12.5% लाभ लिया होगा, यानी साहिल ने मंजीत से एक्चुअली में कितने में खरीदा होगा भाई, जो भी इसकी कॉस्ट थी साहिल को मंजीत खरीदा उस पर 864 खर्च किया और कुल उसकी कॉस्ट आई 4,800, यानी 4,800 में से 864 घटाओ भैया तो कितना आएगा, आप कहोगे सर यानी 4,800 से 800 घटाओ 4,000 और 64 घटाओगे यानी 3,936 रुपए, याद करो यानी 3,936 रुपए में साहिल ने खरीदा था मंजीत से, मंजीत ने इसको 25% हानि पर 3,936 में बेचा था, तब साहिल ने इस पर इतना खर्च किया यानी कुल कॉस्ट इतनी आई 12.5 के लाभ पर उतने में बेचा। अब 25% हानि पर मंजीत ने साहिल को बेचा 3,900 इतने, तो 25% का मतलब 1/4, 4 में अगर खरीदा होगा मंजीत, 1 का लॉस पर बेचा यानी 3 में बेचा होगा साहिल को, तो साहिल को बेचा होगा 3 में, तो 3 की वैल्यू 3,936 और 4 निकालेंगे तो मंजीत के लिए सीपी आ जाएगा, तो 3 3 9 3 नहीं 3 1 3
तीन त्रिक्का नौ, तीन इक्कम तीन दुनाई छह, तो चार दुनाई आठ, चार इक्कम चार, चार तीन बारह, चार इक्कम चार एक पांच, यानी 5,248 में मंजीत साहब ने इसको खरीदा होगा और 25% लॉस पर बेचा होगा किसको, यानी साहिल को, फिर साहिल ने इतने में खर्च करने के फिर जो भी अपना प्रोसेस होगा वो बेचा होगा। फाइनली क्या कह रहा है, 5,248 में मंजीत के लिए कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। प्रॉफिट लॉस पढ़ना, ये हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि अगर हम किसी आर्टिकल को 12.5 के लाभ पर बेचते हैं खरीदें कितने में, 25% हानि पर बेचते खरीदें कितने में, ये हमने आपको रेशियो से डिस्कस किया था, वो एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, जिसको प्रॉफिट लॉस पढ़ना बेसिक से हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। आप डालिएगा प्रॉफिट एंड लॉस बाय शिवानंद सर डालिएगा, याद रखिए प्रॉफिट एंड लॉस बाय शिवानंद सर, जैसे डालेंगे आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। स्टार्टिंग वाले की बात करें, बहुत बेहतर तरीके से टॉपिक हमने डिस्कस किया है जो सभी एग्जाम्स के लिए है। कहोगे यस सर, वेरी गुड, चलो इसको बताओ, ये बिल्कुल बच्चों वाला हलवा क्वेश्चन है भाई, ये तो कोई बता देगा। सर 24 कैरेट सोने को 100% माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने को शुद्ध की प्रतिशतता कितनी, यानी भैया 24% 100% शुद्ध है तो 22% कितने परसेंट शुद्ध होगा, एक लाइन, यानी भैया 24 टोटल है उसमें 22% कितना शुद्ध होगा, बाई 100, या ऐसे करो 24 कैरेट की वैल्यू 100% तो 22 कैरेट की वैल्यू, 24 की वैल्यू 100, 22 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो परसेंट में आ जाए, या 22 जो है कैरेट, 22 कैरेट सोना है वो 24 कैरेट शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 24 का कितना परसेंट है, यानी शुद्ध सोने का कितना परसेंट है आंसर। कहोगे यस सर बिल्कुल सही है, यहां से देखो 2 से 2 ग्रहियम, 2 से 2 ब्रहियम, कहोगे अच्छा और करें कुछ नहीं, ऐसे कर दो तो 1100 बटा भैया 12 डायरेक्टली कर दें, हाँ कैसे 12 नवैया 108, 10 2 तो 12 एकम 12 कितना, 12 एकम 8 बटा 12, तो 8 बटा 12 का मतलब 2/3, तो आप कह सकते हो 51 सही 2/3% कहीं है, यस सर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी 91 होल 2/3% जो है 22% की शुद्धता होगी। लोग कहते भी है ना भाई सोना जो है ज्यादातर जो चलता है वो 22 कैरेट में चलता है, वो उसका 100% दाम नहीं मिलता, जब वापस करोगे रिपेयरिंग कॉस्ट निकालने के बाद वो 92 जो है समथिंग पैसा देता है, 91 समथिंग, यानी 92% के आसपास देता है। कहोगे वाह सर इसको बताओ, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस, अगर एक बार पढ़ के मतलब पढ़ना सीख जाए आप अच्छे से, धैर्यता से पढ़ना सीख जाए तो आधा सॉल्यूशन वही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हो, क्वेश्चन को जल्दबाजी नहीं करना है, आसानी से सॉल्व करना है, और यूपी पुलिस में तो भाई एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे ये अभी मॉडरेट वाले क्वेश्चन, टफ वाले बिल्कुल नहीं है। कहोगे सर 8 महिलाएं एक होटल गई, बहुत अच्छी बात है, उनमें 7 ने अपने अपने भोजन पर 4 रुपए खर्च किए, वाह बहुत अच्छी बात है, और 8वीं महिला ने सभी 8 महिलाओं के औसत खर्च से 7 रुपए अधिक खर्च किए, उनके द्वारा खर्च की गई निर्धारित राशि ज्ञात कीजिए। भैया 8 महिला, नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी गई 8, उन्होंने एवरेज कितना खर्च किया, एवरेज की बात हो रही नहीं पता है, एक्स मान लो, यानी टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, यानी एक महिला एक्स रुपए खर्च करेगी तो 8 महिला 8x, ये हमें कन्फर्म है, ये तो क्लियर है, लेकिन अब आप समझिए क्या कह रहा है, उनमें से 7 ने अपने भोजन पर 4 रुपए खर्च किए, 4 रुपए, भाई एक महिला 4 रुपए तो 7 महिला कितना, कहोगे 28 रुपए, अच्छा सर तो ये 7 महिला का कुल एक्सपेंडिचर, और प्लस जो एक महिला है वो कह रही है 8वीं महिला सभी 8 महिला के औसत खर्च से, औसत खर्च कितना है एक्स, इससे भैया 7 रुपए अधिक, यानी 8वीं महिला एक्स प्लस 7 रुपए खर्च की, तो ये 7 महिला का खर्च प्लस एक 8वीं महिला खर्च, यानी कुल 8 महिला का खर्च है, और कुछ कुल 8 महिला का खर्च ऑलरेडी कितना है, कुल एक्सपेंडिचर 8x है, चाहे एवरेज डिवाइड बाई 8 करो तब एक्स मानो, चाहे ऐसे बना लो। कहोगे एक लाइन का था सर आंसर, बस समझने के लिए था, x इधर जाएगा भैया 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 और प्लस 7 कितना हुआ 35, 35 x बराबर कितना हुआ 7 पचे 35 5, क्या पूछा जा रहा टोटल एक्सपेंडिचर, आप ऑलरेडी 8 है 7 की वैल्यू 5 कर दो, 8 पंचे 40, यानी 8 महिलाओं ने कुल 40 रुपए खर्च किया, यही आपसे सवाल पूछा जा रहा है। वाह भाई कितना आसानी सॉल्व कर लिए, कुछ कंफ्यूजन है, बस आपको बेसिक टर्म्स पता होना चाहिए औसत का, ओरल बता सकते हो भाई, क्लियर यस या नो जल्दी बताएं, कंफर्म हो गया यस वेरी गुड, चलो अगला देखो।
बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से। ये एक खरगोश 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 किलोमीटर तक कुलांचे भरता है, यानी कुलांचे भरने का मतलब छलांग लगाता। भाई ध्यान दीजिएगा, कुलांचे का मतलब छलांग लगाता। कहो जी सर। अगले तीन घंटा किस गति से खरगोश को कुलांचे भरने की आवश्यकता होगी कि ताकि उसके द्वारा की गई पूरी दूरी के लिए औसत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए। कहोगे यस सर कैसे क्वेश्चन बन रहा, पहले बेसिक है, एलिगेशन से दोनों तरीके हैं, पहला तरीका देखो दूसरा तरीका। एक खरगोश 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से 6 किलोमीटर तक कुलांचा भरता है, मतलब 3 किलोमीटर पे एक कुलांचा भरा, फिर अगला कुलांचा जो भी भरा, यार बहुत दूर बहुत तेज से भर रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 किलोमीटर तक कुलांचे भरता, 6 किलोमीटर तक कुलांचे भरा, अच्छा ठीक है। इसका मतलब हुआ 6 किलोमीटर तक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुलांचे भरा, तो कितनी देर कुलांचे भरा भैया, यानी 2 घंटे कुलांचे भरता रहा, 2 घंटे तक कूदता रहा, और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक कूदता रहा, तो 6 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। कहोगे जी सर। अब कह रहा आगे भाई साहब, आगे अगले 3 घंटे, ये 2 घंटे तो भैया कुलांचे मार चुका, अगले 3 घंटे के दौरान किस गति से कुलांचे मारे, पहले तो पता था भैया 3 किलोमीटर, अब किस गति से कुलांचे भरने की आवश्यकता होगी कि उसके द्वारा तय की गई पूरी दूरी के लिए औसत गति 6, यानी पूरी दूरी के लिए औसत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे, और हमें पता भाई पहले 2 घंटे के लिए औसत गति 3 रही होगी, और अगले जो है 3 घंटे के लिए क्या औसत गति रही होगी कि ओवरऑल 6 हो जाए, तो आप ओरल भी बता सकते हो, क्या बता सकते हो भाई, आप बताइए। पहले 2 घंटे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुलांचे भरा, 6 किलोमीटर गया, 2 घंटे लगे, अगला 3 घंटे तक और कुलांचा भरना है, तो ये बोल सकते हो भैया 2 घंटे और 3 घंटे कुल 5 घंटे तक अगर कुलांचा भरा पूरी दूरी जाने में, तो 5 घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना दूरी जाएगा, 6×5=30, यानी 30 किलोमीटर तक कुलांचा भरा, 30 किलोमीटर दूरी कुलांचा भरने की वजह से 5 घंटे लगे। अच्छा आपको पता 6 किलोमीटर पहले 2 घंटे में कुलांचे भरा, यानी बचा कितना 24 किलोमीटर, यानी 24 किलोमीटर जो बचा है वो 3 घंटे में कुलांचा भरा होगा, 6 किलोमीटर पहले 2 घंटे में, और कुल 30 किलोमीटर कवर किया, 6 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल होगी, तो भाई 24 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में अगर जा रहा है तो कितना किलोमीटर किस रेट से जा रहा है। कहोगे 24/3, यानी 3 और 24, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुलांचा भर रहा है, तभी तो भैया 3 घंटे में आर्थिक 24 किलोमीटर जाएगा। कहोगे 8 किलोमीटर, करेक्ट आंसर। बताइए कोई कंफ्यूजन है, नो कंफ्यूजन एट ऑल। और कोई तरीका डिस्कस करें, यस एलिगेशन भी तो है। कहोगे सर पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटे से कुलांचा भरता है 2 घंटे तक, अगला किस चाल से कुलांचा भरे नहीं पता है कि ओवरऑल जो है उसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए। जब किलोमीटर पर आवर का कंपैरिजन करते हैं, रेशियो किलोमीटर पर आवर यानी आवर का आता टाइम का आता है, तो आपको पता है, तो पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 किलोमीटर जाने में 2 घंटे कुलांचा भरा, अगला 3 घंटे और कुलांचा भरना है किस चाल से भी नहीं पता है, तो ओवरऑल चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए। सॉल्व कर दो, देखो 6 में से 3 जाएगा 3 आएगा, अब डेफिनेट यहां एक्स में से क्या जाएगा, एक्स में से 6 जाएगा, इनका रेशियो कितना होगा सर, 2:3 होगा, ये तो था ये 3 घंटे 2 घंटे, ये समय का रेशियो आएगा, तो 3 की वैल्यू 3, 2 की वैल्यू 2, तो एक्स की वैल्यू कितना होगा, 6 से 2 ज्यादा यानी 8, तो एक्स की वैल्यू यहां पे 8 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर। ये भी कह सकते हो, एलिगेशन भी लगा सकते हो। कहोगे जी सर जबरदस्त, वेरी गुड, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, खरगोश से जो है हम परीक्षा की तरफ आते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12, अच्छे से पढ़िए और सॉल्व करिए। Now start your time. The average marks of 12 student in an examination was 52.5. यानी एक परीक्षा में 12 छात्रों का मध्यमान का मतलब औसत, याद रखनी है, मध्यमान को भी भैया औसत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं, ठीक है ना, 52.5 थे। बाद में जांच करने पर 2 छात्रों के अंक 45-51 से बदलकर 40-62, पहला जो है उस पहले के अंक कम कर दिए गए, दूसरे के बढ़ा दिए गए।
छात्रों के सही किए गए मध्यमान अंक ज्ञात कीजिए। आप बताओ 12 स्टूडेंट है, मध्यमान यानी एवरेज 52.5 थे, कहोगे हाँ सर खुश है 12 छात्र सब कोई बात नहीं आ गया लेकिन रिजल्ट। लेकिन हुआ क्या, दो लोगों ने गड़बड़ी किया, दो छात्र थे टू जिसका 45 अंक थे और 51 अंक थे, इनके जगह पर 45 वाले का भैया 40 कर दिया गया यानी 5 बढ़ा दिया गया और 51 वाले का 60 कर दिया गया यानी 9 बढ़ा दिया गया, यानी ये 5 कम कर दिया गया 9 बढ़ा दिया गया। तो आपके पास दो विकल्प हैं, क्या कि जैसे 45 और 51 45 से 40 किया यानी 5 कम किया, 51 से 59 की 60 किया यानी 9 बढ़ाया यानी रिजल्टेंट 4 बढ़ाया, और चाहे ऐसे करें 45 51 का मतलब 5 1 6 5 4 9 96 दोनों मिलाकर मार्क्स आ रहे थे, बाद में 100 हो गए इसका मतलब दोनों मिलाकर यानी 4 अंक का परिवर्तन दोनों के मार्क्स में किया गया। पहले के दोनों कुल मार्क्स 96 थे, बाद में दोनों के मार्क्स कुल 100 हो गए, 4 अंक बढ़ाया गया है, 4 अंक बढ़ाया गया कितने लोगों के मार्क्स में भैया, 12 लोगों के मार्क्स में, यानी एवरेज बढ़ाया कितना गया, एवरेज मार्क्स कितना बढ़ा, एवरेज मार्क्स जो है इनकी यानी एवरेज बढ़ा हुआ मार्क्स यानी 4 मार्क्स बढ़ा कितने लोगों में, 12 लोगों में, औसत कितना बढ़ा 4 3 12 यानी कितना हुआ 0.3333 औसत बढ़ा, यानी एक्चुअली में पहले 12 का इतना था तो उनके में दो स्टूडेंट के मार्क्स इतने थे और अब जो है उनके मार्क्स को 4 अंक बढ़ाया यानी 0.33 एवरेज बढ़ गया, करेक्शन किया गया तब तो एवरेज भी इतना बढ़ जाएगा, तो इसमें 0.33 ऐड कर दोगे भाई साहब कितना हो जाएगा, कितना 52.88 समथिंग, तो 52.8 मान लो तो यही दिया गया, तो ये 52.8 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई कंफ्यूजन है, नो सर, यानी इसका मतलब जब हम दो अंकों में आपस में ही इंटरचेंज करते हैं तो उसमें वैल्यू में कितना चेंज हुआ और एवरेज में कितना चेंज हुआ, एवरेज में जोड़ दो डायरेक्टली आंसर, ये बहुत बार आपको डिस्कस किए थे, कहोगे जी सर बिल्कुल सही है। वाह, मलिक की बात करेंगे, ध्यान समझिएगा, वैल्यू ऑफ द रवि वेरियस, रवि यानी मलिक का मूल्य उसके वजन के वर्ग के रूप में बदलता है, मतलब ये हुआ कि जितना वजन होगा उसका वैल्यू उसका वर्ग होगा ना, कहोगे यस सर। वन सच ब्रेक इन द वेट ऑफ इट्स पीसेस, यानी एक जो है 2 3 4 के पीसेस गिरा बिखर गया 2 3 4 के रेशियो में, तो इफ द लॉस ड्यू टू ब्रीकेज इतना, व्हाट इज द सरप्राइज, याद रखिए बहुत फिक्स क्वेश्चन है, हर बार आए हुए, क्या करोगे आप ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको पता है जो मूल्य है भैया, जो प्राइस है वेट के, प्राइस जो है वेट के स्क्वायर के बराबर है, यानी जो उसका मूल्य वेट है, मूल्य वेट के स्क्वायर के अकॉर्डिंग बढ़ता है, कहोगे जी सर। हीरा था ब्रेक हुआ, किस रेशियो में ब्रेक हुआ भैया, 2:3:4 में, यानी 2 3 4 के गिरने के बाद इस अनुपात में ब्रेक हुआ। हम बोलते टोटल हीरे की क्वांटिटी एक्स थी, तो पहला भाग 2x ब्रेक हुआ, दूसरा भाग 3x, चौथा तीसरा भाग इतने ब्रेक हुआ। वाई वेट, अच्छा ये बताइए पहले भार कितना रहा होगा, 2 3 2 5 4 9x, यानी पहले 9x टोटल रहा होगा बिखरा 2 3 4 में, यानी जो रेशियो है उसी का सम इनिशियल को रहा होगा ना, टोटल इनिशियल ये वेट रहा होगा, बिखरने के बाद ये वेट हमने मान लिया एक्स के फॉर्म में क्योंकि रेशियो दिया गया है। मूल्य भैया कितना हुआ पहले, यानी 9x है तो मूल्य भैया वेट के भार के स्क्वायर के, यानी 9 9 81x, यानी पहले मूल्य इतना था, कितना इसका स्क्वायर करो, इतना एक्स स्क्वायर था ना, 9x का स्क्वायर। अच्छा अब अलग अलग करो, यानी अब पहले भाग का 2x है, इसका स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर, इसका मूल्य कितना 3x स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर, इसका 4 यानी 16x स्क्वायर, कुल मिलाकर अब कितना मूल्य हो गया, 9 4 13 और 16 कितना, 16 9 25 4 29, यानी अब मूल्य 29x स्क्वायर हो गया, यानी कोई वैल्यू कंप्लीट है और रेशियो में ब्रेक होती है तो रेशियो में ब्रेक होने पर हमेशा उसका स्क्वायर कम आता है, ध्यान दीजिएगा ना। तो यानी हम बोलते हैं भैया प्रारंभिक मूल्य 81x किसका, मणिक का था, बाद में 29x स्क्वायर मणिक का हो गया, आप बताइए लॉस कितना हुआ भैया मणिक में, प्राइस में 81x स्क्वायर में से आप 29x स्क्वायर भाई साहब घटा दो तो कितना हुआ, 11 में से 9 गया 2 हुआ, 7 में से 2 गया 5, भाई साहब 52x स्क्वायर का लॉस हुआ। तो बस यही ध्यान देना है, ये फिक्स है, कभी इनिशियल प्राइस दिया होगा, कभी फाइनल दिया होगा, कभी लॉस दिया होगा,
जो दिया होगा उसको रिलेट करो, यानी 50 डायरेक्ट किया, ये मत करिएगा x निकालिए, 52x स्क्वायर की वैल्यू दिया है, ये दिया है 26,000 रुपए भैया, आपको मालिक की एक्चुअल कीमत, मालिक की मूल कीमत 81x स्क्वायर था, यानी इनिशियल प्राइस मूल कीमत, तो 52x स्क्वायर घटा हुआ मूल्य था, 81x स्क्वायर इनिशियल मूल्य था, तो ये तो अपने आप कट जाएगा, यानी आप अगर अब सही से समझिए, चलो अभी सॉल्व कर दे तब समझाएं, 26 × 52 81, 2 × 4 = 8 हुआ, तो 1 × 02 = 10, यानी 40,500, यानी पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पहला सही होगा। ये सब जो गाथा लिख रहे जरूरत नहीं थी, एक्स नहीं मानने की जरूरत थी, स्क्वायर था इसलिए मान रहे हैं, तो डायरेक्ट भी कह सकते, तो पहले तो कितना था 2, 3 और 4 अनुपात था, पूरा कितना था 9 था, प्राइस कितना हुआ 81, इसका प्राइस कितना हुआ 2 का स्क्वायर 4, 9 और 16 यानी 29, लॉस कितना हुआ सर 51, 52, तो 52 की वैल्यू 26,000 सर 81 की वैल्यू निकाल लो। लेकिन ये और कुछ पूछा जाता, ध्यान देना था वेट कितना होगा, यानी वेट को रिलेट करना होता तो हो सकता है कुछ दिया हो, वैल्यू दिया हो तो एक लाइन में समझने के बाद, यानी एक्स वगैरह नहीं मानना है, डायरेक्ट भी करना है, ठीक है ना, और अगर ये बेसिक तरीका था इसको हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कहोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई इशू नहीं है, वाह बहुत अच्छी बात है, इसको बताओ। 14वां क्वेश्चन आपके पास है, एक लड़का जब 20 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 11 मिनट देर से पहुंचता, भाई जब 30 किलोमीटर चलेगा जल्दी पहुंचेगा, जाहिर सी बात है दूरी क्या है, इससे बहुत सारे तरीके, चाहे तो पहले और बाद में टाइम का डिफरेंस डायरेक्टली रिलेट कर लो दूरी आ जाएगी, नहीं तो आपको हमने फिक्स ये बहुत बार बताया भाई, पहले चाल 20 किलोमीटर पर आवर, यानी स्कूल था ये घर था स्कूल था, पहुंचता है 11 मिनट देरी से, कहोगे हाँ सर 11 मिनट देरी से, कहोगे जी सर, अगले दिन 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल करेगा भैया, जाहिर सी बात है जल्दी पहुंचेगा, कितना जल्दी पहुंचेगा 9 मिनट बिफोर पहुंच गया, पहले दिन 11 मिनट देरी, दूसरे दिन 9 मिनट पहले, यानी दोनों के समय में पहुंचने का अंतर जब डिफरेंट साइन होगा तो जुड़ जाता है, यानी 20 मिनट का, 11 मिनट शेड्यूल टाइम से लेट और 9 मिनट पहले दूसरे दिन, यानी दोनों दिन पहुंचने में 20 मिनट का अंतर है कि नहीं। कुछ लोग दूरी बना के अंतर डायरेक्टली कर दें, यानी पहले चाल से पहुंचने में दूसरे चाल से पहुंचने में अंतर कितने का 20 मिनट का, मतलब ये कह सकते हो दूरी डी मान ले तो पहले दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इसी दूरी को दूसरे दिन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अंतर कितना भैया 20 मिनट का, मतलब 60 से भाग करो यानी 1/3 सॉल्व कर दो तो भी आ जाएगा, एक तो ये हुआ है कि नहीं, पहले दिन और दूसरे दिन पहुंचने में अंतर 20 मिनट का, जब ऐसे दिया तो अंतर बना लोगे तो 3 से सब में गुणा कर, 60 से गुणा कर दो तो 20 + 3 = 60 हुआ, 3d - 30 = 2d = 30 यानी कितना हुआ 60 से करोगे 20 हो गया, तो d बराबर 20 किलोमीटर डायरेक्टली आ गया। लेकिन बेसिक आपने दूसरा तरीका बताए थे, चाल का रेशियो 2 और 3 यानी टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, फिक्स डिस्टेंस के लिए उल्टा 3:2, देखिए चाल पहले 20 और 30 थी, रेशियो 2 और 3 थी, टाइम 3 और 2, तो दोनों के टाइम में अंतर 20 मिनट, एक रेशियो की वैल्यू 20 मिनट, 3 की वैल्यू तो 20 से मल्टीप्लाई करो 60 मिनट, यानी पहली चाल से 60 मिनट यानी 1 घंटे लगते हैं, पहली चाल है भैया कितना, पहले दिन की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 मिनट का मतलब 1 घंटे यानी 20 किलोमीटर पहले दिन दूरी कवर किया, यही आंसर यानी ऑप्शन नंबर 3 करें। चाल का अनुपात जब एक ही अलग अलग चाल से लेट पहुंचेगा जल्दी पहुंचेगा, चाल का रेशियो उल्टा समय का रेशियो, समय का अंतर दिया है तो यानी समय का रेशियो दिया अंतर की वैल्यू दिया तो समय दोनों चाल से आ गया, पहली चाल से कितना भैया 1 घंटे बहुत आसान है, 1 घंटे लगा इसका मतलब 20 किलोमीटर की चाल से 1 घंटे में जाएगी कितना 20 किलोमीटर, दूसरी 20 × 40 मिनट यानी दूसरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 मिनट में भी जाएगी 20 किलोमीटर तब भी निकाल सकते हो, कहोगे जी सर बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, देश ये कितनी बार आप लोग, ये बेसिक वही बचपन वाला क्वेश्चन है, यानी किसका गुणनखंड का, तो बताओ बेसिक करें कि डायरेक्टली फैक्टर करें, जैसे 6a² 16ab इतना, तो क्या करते हैं भाई इसका 3 दिया होता ना, फैक्टर करते हो कैसे, 6a² यानी a इंटू सी, जैसे होता ना कि a इक्वल टू क्या था कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ एक्स, c इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, तो a इंटू सी को b के बराबर लाना होता ना, तो कहोगे हाँ सर कैसे, तो 6 × 8 = 48 को 16 के बराबर लाओगे तो 12 × 4 = 16 यानी 12ab - 4ab ब्रेक करोगे ना और +8b² = 0, यही करेंगे नहीं करेंगे, मतलब इसको ब्रेक कर देंगे तो इनका जिससे कुछ रिलेशन मिल जाएगा, a इंटू सी अपने आप हो जाएगा। तो अब देखो यहां से क्या कॉमन हो जाएगा सर, 6a कॉमन, बचा कितना भाई साहब a और माइनस कितना 2b,
और आपको बताया था यही कुछ दूर पे यहां लिखते हैं, एक टू ए माइनस टू भी यहां लिखते हैं, कुछ नहीं करना है ठीक है। और यहां से क्या करोगे, यहां से जो डिवाइड करते हो ना, क्लियर, यहां से क्या बचेगा, 2a बचेगा, या ऐसे कर दो, ये कर दिया, इन दोनों माइनस कितना कॉमन, 4 और 8 में यानी 4 कॉमन, क्या बचेगा, कहोगे सर a और b में b कॉमन, क्या बचेगा, यहां से a माइनस टू भी यही बचेगा ना, इक्वल टू 0, ये लिखने के बाद a से भाग करो इस वाले में, तो अपने आप माइनस 4 भी बच जाता है, कहोगे हाँ सर, तो a माइनस टू भी दोनों में होगा और 6a माइनस 4 भी इक्वल टू कितना 0, क्या करते हो भैया, a माइनस टू भी इक्वल टू 0 एक बार, तो a बराबर कितना 2b, यानी a अपॉन b का रेशियो भाई साहब 2:1 बना जाएगा, पहला क्या ऑप्शन में है, नहीं, दूसरा 6a माइनस 4b इक्वल टू कितना 0, सर 6a इक्वल टू 4b होगा, तो a अपॉन b इक्वल टू कितना होगा, 4/6 यानी 2/3, क्या 2/3 a रेशियो b है, जी सर, यानी 2/3 इज द करेक्ट आंसर, एक लाइन का बेसिक कंफर्म है, और तरीका बताएं, और भी तरीके हैं लेकिन फिलहाल ये कंफर्म हो गया होगा। हमने ये भी बताया था ना आपको, ये बताया था इनइक्वालिटी बताया था, चलिए इनइक्वालिटी एक टॉपिक बताया था, इसमें इक्वेशन करना बहुत आसानी से बताया था भाई, चलिए वहां उसको देख लीजिएगा, फिलहाल उसे नहीं बता रहे, ये देखो 16वां, जल्दी से देखिए भाई और आंसर बताइए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, अच्छा भाई, उनमें से एक को 42% मत प्राप्त हुआ, तो कितना आसान, सबसे इजी क्वेश्चन, आप बताओ, एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, एक को कुल मतों का 42% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा पता हो जाएगा, और इतने से हार गया, तो पहले हम इमेजिन करो, मान ले भैया टोटल वोट जो पड़े थे, यानी कुल वोट भाई मान लो कि 100% 100 वोट पड़े थे, तो कह रहा भैया एक को 42% मत मिला, डेफिनेट दूसरे वाले को भाई साहब कितना घटा दोगे, यानी 58% मिला होगा, अगर एक को 42 मिला, 100 में 42 एक को मिला, तो 58 दूसरे को मिला होगा, यानी दूसरे को पहले से कितना ज्यादा मिला होगा, 8 में से 2 गया 6, यानी 16% ज्यादा मिला होगा। अगर 100 वोट कुल पड़े थे एक को, 100 हमने मान लिया, कितने पड़े थे नहीं पता, हमने 100 मान लिया, 100 का 42 एक को मिला, यानी 58 एक दूसरे को मिलेगा, अंतर 16 का होगा, यानी 16 वोटों से जीतने वाला जीत गया भाई साहब, तो 16 जीत गया, 16 की वैल्यू दिया है, 16 से जीत गया यानी 4320 से जीत गया, तो 16% की वैल्यू है टोटल वोट, यानी 100 की वैल्यू कितना होगा सर, कुछ नहीं करना है, यहां से 16 × 32 भाई साहब, 32 कितना हुआ 11, 16 × 85 16 × 96 16 × 7 112, वाह सर, कहोगे 27,000 कितना भैया, 27,000 27,000 तो सब में कॉमन है, कहोगे अच्छा सर 27,000 सब में है, लेकिन एक और चीजें हैं, 16 की वैल्यू कितना है, ऐसे कर सकते ना, 16 की वैल्यू 4320, एक की वैल्यू 16 × 32 16 × 7 112, एक की वैल्यू 270, यानी 1% की वैल्यू भैया 270, क्या चाहिए, तो जीतने वाले प्रत्याशी कितने भाई, जीतने वाले कितना 58%, तो एक की वैल्यू इतना दिया तो 58 निकाल लो, तो 58 × 270 कितना हो जाएगा 0, 8 × 56 लास्ट में 6 होगा, बहुत सारे में भाई, 8 × 56 लास्ट में 6 5, तो 5 × 35 मल्टीप्लाई करो, 8 × 16 16 × 35 कितना हुआ भाई 51, 51 और 5 कितना 56, 6 करी कितना 5, और 5 × 10 और 5 × 15 15,660 कहीं है, जी 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 5 × 10 और कितना 15,660 कहां है, ये है, ये पहला ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट, 15,660 ए, मतलब एक पर 16% की वैल्यू दिया, एक निकालोगे 270 127,000, तो 58 निकाल लो जीतने वाले, 42 निकाल लोगे हारने वाले, जो पूछा जाएगा बता दो, कहोगे जी सर बिल्कुल आसान है, इसको बताओ, एक एक्सप्रेसवे ट्रेन है भाई 90 मिनट एक निश्चित दूरी तय करती है, यदि वह 48 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार चलती है, सफर में 40 मिनट में एक लाइन देखो याद करो, आपको दूरी कंफर्म है S1T1 इक्वल टू क्या होगा भाई S2T2, ये तो है याद करिए, क्या कह रहा 90 मिनट में पहला टाइम दिया है निश्चित दूरी तय करती, उसकी औसत गति 18, यानी कह रहा कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूरी को 90 मिनट में तय करती है, अब कह रहा है
कि सफर के समय कम कर 40 मिनट लाने के लिए ट्रेन को किस रफ्तार से दौड़ना होगा, यानी उसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे हो जब वही दूरी 40 मिनट में तय करना हो। 48 किलोमीटर की चाल हो 90 मिनट लगते हैं तो 40 मिनट में वही दूरी पहुंचना है तो कितना चाल होगी, तो डायरेक्टली बता सकते हैं भाई। तो ये एक किलोमीटर में आएगा, मिनट में है, तो ऐसे कर दो, देखो सॉल्व कर दो आंसर, कहोगे चार से तो 12 चार एकम चार, चार दुनाई आठ, 12 चौक 48, 12 नवैया 108, सर 108 किलोमीटर S2 आ गया, ये आंसर याद है बिल्कुल। ओवरऑल बस समझने के लिए ऐसे कर दो, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 90 मिनट में दूरी कितनी गई, दूरी आ गया, अब जो है उसी दूरी को 40 मिनट में जाने के लिए चाल क्या होगी, आंसर तब भी आ जाएगा, चाहे फॉर्मल लगा दो एक लाइन का हो जाएगा। कहोगे जी सर पता है, बिल्कुल बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसको देखो, लगातार 15 दिनों में काम करने के कर्मचारी की औसत मजदूरी 80 रुपए प्रतिदिन थी। अच्छा भाई, पहले 7 दिनों के दौरान उसकी मजदूरी 63 रुपए, आखिरी 7 दिनों में, याद करो हमने ये आपको बहुत अच्छे से बताया था, 15 दिन की औसत मजदूरी 80 है, पहले 7 दिन की औसत मजदूरी 60 थी, अगले 7 दिन की औसत मजदूरी कितना, कहोगे सर 99 रुपए, तो बताइए 8वें दिन, 8 दिनों की औसत क्या रही होगी, तो 8वें दिन की मजदूरी और 8 दिन की औसत मजदूरी, तो आप क्या करते हो, चाहे इसको आप एलिगेशन से बता सकते हो चाहे से, भाई 15 दिन की अगर एवरेज वेजेज है तो 15 दिन की कुल मजदूरी कितना भैया, देखो 7 × 7 = 14, 15 से एक कम यानी एक दिन कम हो रहा है, यानी 8वां दिन है, पहले 7 दिन आखिरी 7 दिन, यानी 8वां दिन बचा होगा, तो 15 दिन की औसत मजदूरी 80 रुपए है तो मजदूरी कुल मजदूरी कितनी है, यानी 15 दिन की कुल मजदूरी, कहोगे सर बिल्कुल आसान है, 15 दिन की कुल मजदूरी 15 × 8 = 120, यानी 1200 रुपए कुल मजदूरी है, तो पहले 7 × 63, इसके हिसाब से पहले 7 दिन की कुल मजदूरी और अगले 7 दिन की कुल मजदूरी, यानी 7 × 21, 7 × 6 = 42 और 2 कितना हुआ 44, प्लस यहां से 7 कॉमन कर लो चाहे फिर मल्टीप्लाई कर चाहे ऐसे कर दो, मतलब एक तरीका ये भी है ना भाई, दोनों को ये मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, 7 कॉमन ले लो तो 63 और 99 का मतलब कितना हुआ 162, तो डायरेक्टली 7 को 162 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो 7 × 63 और 7 × 99 मल्टीप्लाई करके जोड़ो, बात तो वही है, तो पहले 7 आखिरी 7 यानी 14 आ जाएगा, और चाहे 7 कॉमन ले लो 63 और इसको मल्टीप्लाई कर दो, अब ये सीधी हो जाएगा, 7 × 9 = 14, 7 × 6 = 42, 1 × 43 3 कैरी 4, 7 × 1 = 11, यानी कुल जो है ध्यान दीजिएगा कुल जो है 1134 रुपए पहले 7 आखिरी 7 दिन में कमाते हैं, तो 8वें दिन की मजदूरी क्या होंगे, 8वें दिन की मजदूरी आप 1134 घटा दोगे, कहोगे सर बिल्कुल आसान है, कितना 66 रुपए सर, 66 रुपए 8वें दिन की, कहां गड़बड़ हो गया भाई, कुछ गड़बड़ हो रहा, पहले 8 दिनों की औसत मजदूरी, अच्छा पहले 8 दिनों की, ये तो 8वें दिन की है, तो पहले 8 दिनों की औसत मजदूरी याद करिए भाई, ये 8वें दिन की मजदूरी है, तो पहले 8 दिन का मतलब 7 दिन का तो पहले दिया है, 7 × 21 एक हुआ, 7 × 6 = 42 और 2 = 44, यानी पहले 7 दिनों की औसत मजदूरी दी थी तो पहले 7 दिनों की कुल मजदूरी इतना, और प्लस 8वें दिन की मजदूरी 66, तो 8वें मतलब 8 दिनों की औसत मजदूरी कुल कितनी 6 × 1 = 7 हुआ, 6 × 4 = 10 और 4 × 1 = 5, बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन दिया भाई, 8वें दिन की मजदूरी निकालना और पहले 7 दिन की कुल मजदूरी और एक दिन और 8वें, यानी कुल 8 दिन अब हो गए, अब डिवाइड करो भैया, 8 × 6 = 48, 2 8 × 3 = 24, 3 ना 24 3 × 27 30, 8 × 3 = 24, 6 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40, 63.375, जहां तक ले जाए 63.37, यहां 2 पॉइंट तक ये होगा, यानी ये आंसर 63.37 या 38 बोल सकते हो, नहीं 38 बोल सकते हो लेकिन इतना ही दिया है, कहोगे यस सर बढ़िया क्वेश्चन दिया है, मतलब घुमाने वाला क्वेश्चन आपको दिया, वेरी गुड बहुत अच्छी बात है। इसको देखो भैया, 2 स्टेशन हैं, अच्छा क्या कह रहा है, 2 स्टेशन ए और बी 138 किलोमीटर दूर हैं, ये ए है और बी है, कितना दूरी है भाई 138 किलोमीटर, अच्छा बहुत अच्छी बात है, एक ट्रेन सुबह 7:15 बजे 7:15 पे भाई साहब ए से शुरू करती है, बी की ओर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, वाह भाई बहुत स्लो चलती है पैसेंजर है, एक अन्य ट्रेन सुबह 8 बजे बी से शुरू करती, वाह भाई 8 बजे 8 PM पर बी शुरू किया, ठीक है 8 AM पर, और ए की तरफ 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती, अच्छा कितनी देर बाद चली भाई,
यानी 7:15 पे ये चली, 8 बजे चली, 45 मिनट बाद ये ट्रेन चलना स्टार्ट की है भाई। तो बताना है कि किस समय मिलेंगे। वाह भाई, एक लाइन का आंसर है। कैसे? आपको पता भाई 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चली। अच्छा, 7:15 पे चली और 45 मिनट चल चुकी, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 मिनट में कितनी दूरी तय कर चुकी है? 45 मिनट को आवर में करो तो कहोगे 15 3 45, 15 4 60, 4 6 24, 6 3 18, यानी 18 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है। यहां जो है 8 बजे ट्रेन ए पहुंच गई, कितने बजे भैया? सुबह 8 बजे, और 18 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी, यानी इनके इनके बीच की दूरी 18 घटा दोगे, अब 120 किलोमीटर बची हुई है। आप बताओ, यानी ये 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसकी तरफ चलेगा 8 बजे, और 8 बजे बी से दूसरी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी, ठीक है? तो 120 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, यानी एक घंटे में 24, एक घंटे में 36, दोनों एक घंटे में रिलेटिव स्पीड 36 प्लस 24, यानी अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड 24 प्लस 36 का मतलब यानी 60 किलोमीटर दोनों एक घंटे में चलेंगे। दोनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर, कितने घंटे लगेंगे भैया? 2 घंटे, 2 घंटे बाद कहीं मिल जाएंगे, यानी 8 बजे चलेंगे तो 10 बजे कहीं दोनों मिल जाएंगे, दोनों 10 बजे मिल जाएंगे, यानी सुबह 10 बजे। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नो डाउट? नो सर, बिल्कुल आसान है, बहुत बार स्पीड टाइम डिस्टेंस में डिस्कस किए हैं इसको। देखिए, 3 मिश्रण को बराबर पेट्रोल और मिट्टी का तेल है, अगर तीनों को एक साथ मिला जाता आखिरी मिश्रण में, मतलब तीनों को मिलाकर मिट्टी का तेल और उसका रेशियो बताइए। याद करिए, हमने आपको क्या बताया था, जब भी 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो को मिक्सअप करेंगे, कैसे करेंगे? तीनों बराबर मात्रा में, पहले में पेट्रोल और कितना, पेट्रोल और किरोसिन का रेशियो पहले में 2:3, जी सर। दूसरे में 4:3, जी सर। तीसरे में 6:1, जी सर। तीनों को बराबर क्वांटिटी में मिलाना है, यानी ये इसी क्वांटिटी कितना 5, इसी क्वांटिटी कितना 4 3 7, इसी कुल क्वांटिटी कितना रेशियो में 7, यानी इनकी क्वांटिटी अलग अलग है सर, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, बराबर करो 5 7 और 7 कैल्शियम 35, यानी पहले वाले में 7 से गुणा करो, दूसरे वाले में 5 से गुणा करो, तीसरे वाले में 5 से गुणा करो, अपने आप 35 जाएगा। तो 7 2 9 14 7 3 21, हम समझ जाएंगे 35 में पेट्रोल और किरोसिन का रेशियो, 14 और 21 का मतलब 35, 5 5 6 20, 5 3 15, देखिए फिर से 35 में पेट्रोल 20 और किरोसिन इतना, 35 में अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, 5 से 5 6 30 5 1 5, यानी अब इससे कोई मतलब नहीं, समझो भैया ये नया पेट्रोल किरोसिन आ गया, पेट्रोल सब में जोड़ दो तीनों में, 30 20 50 10 60 4 64 हो गया, इसको जोड़ो 5 20 20 20 40, यानी 41, क्या कटेगा? नहीं भैया, 64 41 कहीं है, जी 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 बिल्कुल सही है, 64 41, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो जबरदस्ती दे दिया गया, तीसरे में 0 0, ये ऑप्शन नंबर 10, यानी 64 41, ये इतना। बताइए कोई कंफ्यूजन है सर? नो, आखिरी मिश्रण पेट्रोल किरोसिन का तेल 64 41 आ जाएगा, कंफर्म है? यस बिल्कुल कंफर्म है। तो चलिए, आज के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मॉडरेट थे, बहुत इजी नहीं थे कह सकते, मॉडरेट थे। आई होप अपने आप को जल्दी से कमेंट में बताओ भाई आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो, ठीक है? ये अपने आप को डेली इवेलुएट करोगे, डेली आपके साथ हम 7 बजे मिलेंगे। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, UPSI कर रहे हो, RPF की कर रहे हो, या CHSL की कर रहे हो, सब में ये सारे क्वेश्चंस हेल्प करेंगे, ठीक है? अभी हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, इसमें इस टाइप क्वेश्चंस आए थे, लेकिन टॉपिक तो भाई वही रहेंगे ना। तो डेली आप हमसे 7 बजे जुड़ेंगे और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस डेली कुछ ना कुछ नया कोशिश करेंगे, और जो डाउट होगा बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में फ्री है लिखने के लिए, ठीक है ना? तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट समय फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए भाई स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गुड नाइट।